आप देख रहे हैं WLBS News। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ काफ़ी लोग मिल रहे दीक्षा भूमि में, और हमारे साथ में एक सज्जन है जो कि अंबेडकर विद्यार्थी संगठन, इसमें शायद वे काम करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीक्षा भूमि से लगे हुए एक परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक कॉलेज है जिसमें LLB और भी पढ़ाइयाँ होती है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, फिर उस कॉलेज के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम है प्राध्यापक धम्मदीप जामगड़े। मैं हरियर जूनियर कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। और बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि पिछले 20 साल से ये दीक्षा भूमि यानी हमारी कर्म भूमि रही है, यानी यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। दीक्षा भूमि को देखते ही अगर कभी कभार ये कॉलेज के सामने से या फिर इस दीक्षा भूमि के सामने से भी जाते हैं तो हम लोग गर्व से कहते हैं, हमारे मिसेस को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, माजी दीक्षा भूमि, हमारी दीक्षा भूमि, हमारी दीक्षा भूमि, ऐसे गर्व से बताते हैं। बोले दोस्तों, माजी दीक्षा भूमि मतलब हमारी दीक्षा भूमि, हमारी दीक्षा भूमि, हमारी मीन्स मेरी दीक्षा भूमि। अगर मैं खुद का अगर दीक्षा भूमि बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि सब लोगों ने ऐसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये फ़र्ज बनता है हर एक जन का। अगर हम हमारी दीक्षा भूमि बोलते हैं तो एक में के ऊपर ये डिपेंडेंस हो जाता है, एक कम्युनिटी वाइज हो जाता है। हाँ, अगर मेरी दीक्षा भूमि अगर मैं बोलता हूँ तो ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इसको किस तरह से हैंडल करता हूँ। और ये सब जो मिला है ये यहीं से मिला है। यानी हम जब अंबेडकर कॉलेज में पढ़ते थे सन 2000 में, तो तब से लेके दीक्षा भूमि क्या है, दीक्षा भूमि की मिट्टी क्या है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अभी भी सुगंध आता है बाबा तेरे मिट्टी का, तेरे लिए हुए 22 प्रतिज्ञों का अभी भी सुगंध आता है इस दीक्षा भूमि से। इसलिए मेरे माता पिता ने भी, अरे अभी अभी हम गाड़ी पे आ रहे थे, मेरी माँ साथ में है, मेरी माँ ने बोला है कि आप जब छोटे थे तब से लेके तो आज तक के एक भी बार दीक्षा भूमि मिस नहीं हुआ है इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन में। अब ये COVID-19 के कारण पिछले 2 साल से हम दीक्षा भूमि में नहीं आ सके, लेकिन मैं हर बार आता था, लॉकडाउन तोड़ के आता था, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ अलग मिलता था, कुछ प्रेरणा मिलती थी। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये बाबा साहब के नाम से जो कॉलेज है, इस कॉलेज में आप कौन कौन सी पढ़ाइयाँ स्टूडेंट कर सकते हैं, कुछ बताएंगे? यहाँ पे ये मल्टीपर्पज़ कॉलेज है। यानी हम जब पढ़ते थे नैक कमेटी का A+ ग्रेड आया था। यानी ये ऐसा एक वे कॉलेज था जिस समय नैक कमेटी का A+ ग्रेड आया था आखिर महाराष्ट्र में, जहाँ पे आर्ट की पढ़ाई की जाती है, कॉमर्स साइंस, देन लॉ की पढ़ाई की जाती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई है, और बहुत सारे ऐसे सोशल कल्चर्स यहाँ से स्टूडेंट लेता है जिसके वजह से ये कॉलेज को कभी नहीं भूलता है। अच्छा, आप जो डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में आप कुछ विद्यार्थी जो संगठन होता उसमें काम करते थे, हाँ, तो उसको आप कैसे याद करते हैं, उस संगठन के बारे में? ये कॉलेज से तो मैं संगठन में नहीं जुड़ा था, लेकिन जब मैं कैंपस में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे एक संगठन मुझे मिला था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यार्थी संगठन, जो डॉक्टर प्रदीप आगलावे ने स्थापन की है। और उस संगठन में वही लड़के, बेसिकली लड़के तो बहुत थे, लेकिन वही लड़के इंटरेस्ट से काम करते थे जिनको बाबा साहब समझ में आते थे। और जो संगठन में जितने भी बच्चे थे और अभी भी है, वो कहीं ना कहीं कार्यरत है, एक भी ऐसा खाली नहीं है, कोई लेक्चररशिप कर रहा है, कुछ तो IAS के रैंक पे गए हैं, कुछ IRS बने हैं, कुछ बड़े बड़े Class 2, Class 1 ऑफिसर के रैंक पे गए हैं। यानी ये संगठन से हमको मजबूती मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्ज़ाम्स, हाउ टू डेवलप आवर सेल्फ इन नेचर, इस तरह का मार्गदर्शन मिलता है। और ये COVID-19 के कारण सिर्फ 2 साल हो गए कि हमारे संगठन का यहाँ पे पेंडोल नहीं लगा है, यहाँ पे स्टॉल नहीं लगा है, नहीं तो पानी वाटप का यहाँ पे पेंडोल लगता है, स्टॉल लगता है, मतलब पानी यानी आप लोग, हाँ 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 हाँ, और साथ में मार्गदर्शन होता है, जो नए जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर जो होते हैं, कि उन्होंने अपने लाइफ में खुद को डेवलप करने के लिए या फिर कहीं पर जाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लड़के होते हैं वो उनको गाइड करने लगे। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में यदि कोई स्टूडेंट, देश का कोई भी व्यक्ति हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है,
तो अगर वो एडमिशन लेना चाहता है डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो कैसे अप्लाई करे ताकि उसका एडमिशन यहाँ हो जाए? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कॉलेज में सभी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है। अगर यहाँ पे 11th में आपको एडमिशन चाहिए तो यू शुड हैव स्कोर्ड 95+ फॉर द साइंस। अगर हम देखते हैं कि कॉमर्स फील्ड में अदर कॉलेजेस में देखते हैं तो 70% 60% में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ का जो परसेंटाइल है या फिर जो कट ऑफ है वो 96+ में होता है कॉमर्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। और आर्ट में अगर देखा जाता है तो नियर अबाउट 80-85% आर्ट के लिए होता है 11th स्टैंडर्ड के लिए। बीए फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन मिल जाता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बीएससी में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। बीएससी में कितना, 96 होना चाहिए? हाँ, बीएससी के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव 70% एंड अबव इन 12th स्टैंडर्ड। अच्छा, ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, सिर्फ उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। वो मतलब यहाँ पे कॉलेज परिसर में आए, प्रिंसिपल के ऑफिस में आए, उसके बाद अप्लाई कर सकता है कि ऑनलाइन वगैरह कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पक्का ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ के जो लेक्चर स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। अब मैं देख रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा तो एजुकेशन यहाँ से 2005 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी मेरे रिलेशंस जुड़े हुए हैं, अभी भी इस कॉलेज से मुझे लगाव है। क्योंकि मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ, अगर उनको कुछ दिक्कत आती है यहाँ पर एडमिशन्स के लिए, तो अगर मैं बोल देता हूँ कि सर थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट है, एडमिशन देख लीजिए थोड़ा सा, उनका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि वो एलिजिबल है क्या, परसेंटेज होना चाहिए उसका, परसेंटेज होना ज़रूरी है और उसमें योग्यता भी होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट मीन्स 80% हम लोग बोल सकते कि परसेंटेज होना ज़रूरी है, लेकिन 20% उसकी एलिजिबिलिटी होना भी ज़रूरी है, यानी मन में पढ़ाई की जो जागरूकता बोलते हैं, इच्छा, वो होनी ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के अंदर में क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार भी आते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो सभी समुदाय विशेष के अन्य अन्य लोग भी यहाँ पढ़ते होंगे, तो उनके जब यहाँ से पढ़ के बच्चा निकलता है तो कुछ सीखता है क्या? हाँ पक्का, बिल्कुल सीखता है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी बच्चा जब शिक्षण लेता है, सीखता है, तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से होती है कि जिसके वजह से, अब देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले तो दिस इज़ प्रैक्टिकल, ओके, दिस इज़ नॉट माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड ऑल, है ना। बाबा साहब ने क्या बोला है कि डोंट बिलीव इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जस्ट डू एज अ प्रैक्टिकल, ओके। तो साइंटिफिक एटीट्यूड लेके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी डजंट मैटर, स्पिरिचुअलिटी कोई बात नहीं, बट साइंटिफिक एटीट्यूड जब उसके मन में आता है बच्चे के, तो वो अपने आप बाबा साहब को मानने लगता है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में। मतलब वहाँ कौन कौन सी बुकें मिलती हैं लाइब्रेरी? बहुत सारी बुक्स है, बाबा साहब ने जितने भी बुक्स लिखी वो सभी बुक्स है। अच्छा। और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड तो पक्का है, आप देखोगे कि दो हेड लाइब्रेरियन है जो अखे नागपुर में कहीं नहीं है, 6 से 7 पूरे नागपुर में नहीं है। हाँ, पूरे नागपुर में दो हेड लाइब्रेरियन नहीं है किसी कॉलेज में, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के। तो ये भी तो गवर्नमेंट कॉलेज है शायद? हाँ, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, मैंने सुना ये है कि यहाँ LLB भी होता है, LLB की पढ़ाई होती है, उसके लिए क्या विशेष योग्यता है? हाँ, LLB का अगर देखा जाए तो 3 ईयर्स कोर्स होता है, 5 ईयर्स कोर्स होता है। LLM नहीं, LLB के लिए, आफ्टर 12th 5 ईयर्स, आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर्स, ऐसा होता है। अब उसके लिए विशेष योग्यता ऐसी होती है कि उसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, ना कि कॉलेज लेवल का। अगर बच्चा उसमें क्वालिफाई हो जाता है तो पक्का यहाँ पे वो पढ़ाई कर सकता है। और बताने के लिए खुशी ये होती है कि नंबर 1 कॉलेज है हमारा लॉ के लिए। चलिए सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आपने दीक्षा भूमि से यदि एजुकेशन के मामले में कुछ जानकारी यदि आपको मिली होगी तो मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जय भीम।